1 2 3। ओ भाई साहब, क्या कंडीशन निकली है। अरे तो हेलो गाइस, एक अनबॉक्सिंग करूंगा आज मैं कैशिफाई सुपर सेल से। जो मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है, इसमें होने वाला है ओप्पो F17 और रेडमी 9 पावर। दोनों फ़ोन ग्रेड ई के होने वाले हैं और दोनों फ़ोन की प्राइस होने वाली है 4,923 रुपये, और ये ओप्पो F17 की प्राइस होने वाली है 2,902 रुपये, 2,902 रुपये, और रेडमी नाइन पावर की प्राइस होगी 2,023 रुपये। तो अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इन फ़ोन की जल्दी जल्दी से कि क्या क्या दिक्कत है फ़ोन में और क्या दिक्कत नहीं है, और आप लोगों को फिज़िकल कंडीशन भी दिखाते हैं। फुल रिव्यू करके दिखाऊंगा इन दोनों फ़ोन का। तो जल्दी जल्दी अनबॉक्सिंग करते हैं इन फ़ोन की। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने दोनों फ़ोन की अनबॉक्सिंग कर दी है। ये बिल है, बिल भी देख सकते हैं आप लोग। बिल को पहले मैं थोड़ा हाइड कर लेता हूँ क्योंकि उस पर एड्रेस लिखा हुआ है। तो ये बिल है, इस पर हमें Redmi 9 Power रिसीव हुआ है माइटी ब्लैक कलर में, Oppo F17 रिसीव हुआ है डायनेमिक ऑरेंज कलर में। प्राइस भी देख सकते हैं आप लोग। और अब हम खोलेंगे इन दोनों फ़ोन को, देखेंगे कि फ़िज़िकल कंडीशन कैसी है। तो पहले खोल लेते हैं Oppo F17 को, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पहले खोल के देख लेते हैं Oppo F17 को। 1 2 3। ओ भाई साहब, क्या कंडीशन निकली है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, Oppo F17 की कंडीशन बढ़िया निकली है बैक से। बस अरे यार, ये साइड से मतलब आगे से थोड़ा डिस्प्ले में क्रैक है, अंदर से क्रैक है। मुझे बाहर से तो क्रैक लग नहीं रहा है, क्योंकि बाहर से तो अच्छा दिख रहा है। अब इसको ऑन करके देख लेते हैं, फ़ोन ऑन भी होता है या फिर डेड दे दिया कैशिफाई सुपर सेल वाले ने। चलो ऑन तो हो रहा है अभी, ये इतने ऑन होता है इतने हम निकाल के देख लेते हैं Redmi 9 Power को कि Redmi 9 Power की कंडीशन कैसी है। Oppo F17 जैसी है। ओ भाई साहब, क्या कंडीशन है इसकी। अरे भाई साहब, इसकी तो डिस्प्ले भी ओके है बिल्कुल। अरे अरे, ये तो नहीं सोचा था भाई मैंने कि इसकी डिस्प्ले भी वर्किंग आएगी बिल्कुल। मतलब अरे यार, इसकी तो बिल्कुल मतलब डिस्प्ले ओरिजिनल सी लग रही है मुझे। चलो ऑन करके देखते हैं, इसको भी हमने ऑन कर दिया है। चलो फुल रिव्यू अभी करके दिखाता हूँ मैं आपको इनका। पहले इनको ऑन कर लेता हूँ फ़ोन, दोनों फ़ोन को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये Oppo F17 के बैक कैमरा पे थोड़े स्क्रैचेज है। शायद इसी वजह से बैक कैमरा नॉट वर्किंग बताया गया था। और नीचे से थोड़ी डिस्प्ले अंदर से क्रैक है, बाहर से क्रैक तो लग नहीं रही है। ये टच करके मैंने देखा है, दोनों फ़ोन ऑन हो चुके हैं। ये है Oppo F17। तो अभी कुछ टेस्ट करके देखेंगे कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा। इसकी इसमें बताया गया था कि इसमें फिंगरप्रिंट वर्किंग होगा, तो अभी इसमें फिंगरप्रिंट लगा के देख लेते हैं। सेटिंग में जाके फिंगरप्रिंट ऊपर सर्च कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट आ गया, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन तो आ गया। सेटअप करके देख लेते हैं अब इसको। यूज कर लेते हैं अभी तो, कंटिन्यू करते हैं। अब करके देखते हैं कि फिंगरप्रिंट इसका चल रहा नहीं चल रहा। हो चुका है, भी ऐड हो चुका है, डन हो गया। अब इसको बंद कर देते हैं और फिर चला के देखते हैं कि फिंगरप्रिंट चलता है नहीं चलता है। 1 2 3। अबे तो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन ही नहीं आया इस पे। चलो दोबारा करके देखते हैं आगे। फिंगरप्रिंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, क्या हो रहा है। फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन डिस्प्ले ओरिजिनल बताई थी इसकी। अब एक बार दोबारा करके देख लेते हैं, कैमरा टेस्ट कर लेते हैं पहले इसका, फिर फिंगरप्रिंट का बाद में देखेंगे। बाद में अपडेट में आपको बता दूंगा कि इसमें चला है या नहीं चला फिंगरप्रिंट। कैमरा कुछ ऐसा है, पोर्ट्रेट इसमें चल रहा है नहीं चल रहा है। पोर्ट्रेट नहीं लगता मुझे इसमें चलेगा नहीं चलेगा। ऐसे कैमरा खराब बताया था दोनों आगे पीछे का। आगे का तो खराब ही, आगे तो ब्लर है कैमरा इसका। माइक टेस्ट कर लेते हैं इसका, साउंड रिकॉर्डर बटन भी देख लेते हैं इसके चल रहे निकल रहे। तो ये हो गया और ये हो गया, दोनों बटन चल रहे। अभी इसका माइक टेस्ट कर लेते हैं साउंड रिकॉर्डर से।
इसका माइक साउंड रिकॉर्डर। हेलो हेलो 1 2 3 हेलो हेलो, टैप करके देखते हैं इसको। आपको आवाज आ गई होगी एक बार। माइक हेलो 1 2 3 हेलो हेलो, माइक में आवाज हो गई होगी। मुझे तो आवाज आ रही है इसकी, माइक में आवाज आ गई है। पता नहीं इसका फिंगरप्रिंट वर्क क्यों नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इसकी डिस्प्ले ओरिजिनल ही लग रही है। ऊपर एमोलेड डिस्प्ले लग रही है, मैंने फिंगरप्रिंट ऐड भी कर दिया लेकिन चल नहीं रहा है। ऑप्शन ही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा ऑप्शन। चलिए अब इसको Redmi 9 Power को टेस्ट कर लेते हैं कैसा निकल रहा है। Redmi 9 Power, Oppo F17 को तो हमने टेस्ट कर लिया है। इसका इसमें हम सिम भी लगा कर देखेंगे कि सिम चल रहा है नहीं चल रहा है इस फोन में। अब Redmi 9 Power चेक कर लेते हैं। Redmi 9 Power में तो डिस्प्ले ओरिजिनल भी लिए, डिस्प्ले ओरिजिनल है इसकी Redmi 9 Power की। इसमें ग्रेड ग्रेड ई का फोन है, ये ग्रेड ई का है। ये शायद मैं भूल गया कि कौन सी ग्रेड का है, मैं आपको दिखा दूंगा, ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा आपको। ये ग्रेड ई का है या ये ग्रेड ई प्लस का होगा, दोनों ग्रेड ई या ई प्लस के ही है। लेकिन डिस्प्ले आप देख सकते हो ओरिजिनल है। और इसका कैमरा टेस्ट कर लेते हैं, इसमें भी दोनों कैमरा खराब बताए थे। उसका भी भाई गई, इसका भी कैमरा वर्किंग है लेकिन कैमरा थोड़ा धुंधला आ रहा है। इसका फ्रंट कैमरा भी इसका धुंधला ही है, तो कैमरा खराब नहीं है, कैमरा साफ करवाना पड़ेगा। बटन इसके दोनों वर्किंग है। साउंड टेस्ट कर लेते हैं इसका। साउंड साउंड ये रहा नहीं, ये तो लॉक स्क्रीन है। साउंड में जाके इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। साउंड भी आ रहा है इसके अंदर, मतलब सही है, साउंड भी सही है। और बाकी कैमरा ये का, और इसमें सिम डाल के देखते हैं अभी दोनों फोन में, दोनों में सिम डाल के देखेंगे कि नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है कोई से फोन में, या किसी में सिम वर्किंग नहीं कर रही। मैंने अपना जियो का सिम निकाल लिया है, इसमें डालेंगे Oppo F17 में। पहले इसमें डाल देंगे, फिर उसमें डाल देंगे, डाल लेते हैं आपको टेस्ट करके बताएंगे इसमें सिम चल रहा नहीं चल रहा। लग गया सिम, अब इसमें देखते हैं नेटवर्क आते ही नहीं आते। हेलो इमरजेंसी कॉल तो लिखा हुआ आ चुका है, जियो भी लिखा हुआ आ चुका है, मतलब नेटवर्क आ चुका है इसके, नेटवर्क आ चुका है इसके। और डिस्प्ले में जो इसका थोड़ा सा ये है, मतलब साइड से, मतलब बाहर से तो क्रैक नहीं लगे, अंदर से क्रैक है थोड़ी। देर देख लो आप यहाँ पे जो है, ये ग्रेड ई में हो सकता है थोड़ा, ये आपका भी आ सकता है ऐसा, लेकिन मैं तो सही दिलवा दूंगा आपको, मेरा थोड़ा ऐसा आ गया ही है। बाकी इसके डिस्प्ले की कंडीशन सही है, डिस्प्ले ओरिजिनल है, लेकिन इसका मुझे फिंगरप्रिंट चेक करवाना पड़ेगा कि पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। ये इसकी बैक की कंडीशन है ऐसी, साइड की ये कंडीशन है, ये नीचे की, ये इस साइड की और ये इस साइड की बैक की कंडीशन है। और इसके कॉल मिला के देखते हैं कि कॉल मिल रही है नहीं मिल रही। उनमें नेटवर्क आ चुका है, ये देख लो आप, डेटा भी ऑन है। कॉल कट गई है, अभी दोबारा मिला के देखते हैं। कॉल कट रही है, किसी दूसरे नंबर में मिला के देखते हैं। किसी भी अननोन नंबर में मिला के जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसका मतलब जो सिम है वो तो चल रहा है, इसका कंडीशन अच्छी है। जो नीचे से है थोड़ा ये ही आया है ग्रेड प्लस में, इसका बताया गया था कि ये कैमरा भी खराब आएगा और डिस्प्ले भी टूटी जाएगी, तो वैसे सही आया। अब इसमें डाल के देखते हैं Redmi 9 Power में। तो गाइज हमने जो सिम है इसमें से अब इसमें डालेंगे, जो सिम था इसमें वो इसमें निकाल लिया हमने। अब देखिए इसमें सिम डाल के देखते हैं, इसमें चलना नहीं चल रहा। इसमें बताया गया था कि सिम तो चलेगा, लेकिन चेक भी कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं चलता नहीं चलता इसका सिम। कौन सी साइड पे लग रही है सिम, मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया है, अभी देखते हैं इसमें नेटवर्क आते हैं नहीं आते।
नेटवर्क जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि नेटवर्क आ चुका है, जियो 4G लिखा हुआ आ चुका है इसमें। अभी एक कॉल भी मिला के देख लेते हैं। हेलो तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें भी सिम चल चुका है, इसमें मैंने कॉल मिलाई है, इसमें सिम चल चुका है, इसमें बढ़िया बिल्कुल चल रहा है, दोनों ही फ़ोन जो है बहुत बढ़िया मिल चुके हैं। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसकी मैं कंडीशन दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए, इसको साइड रख देते हैं कि बैक की कंडीशन आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा जो कैमरा पे है यहाँ पे इस साइड पे स्क्रैचेज है, ये साइड की कंडीशन है। और इसका जो फिंगरप्रिंट है वो अभी भी चला के देख लेते हैं, बस इसका जो दोनों फ़ोन में मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, बस इसमें साइड में फिंगरप्रिंट होता है वो लगाना मैं भूल चुका हूँ, अभी वो देखते हैं लगा के इसमें फिंगरप्रिंट जो है वो चलता है या नहीं चलता है, या फिर फिंगरप्रिंट में दिक्कत है। फिंगरप्रिंट वैसे बताया गया था कि इसमें फिंगरप्रिंट चलेगा, अभी देख लेते हैं इसमें फिंगरप्रिंट चलता है नहीं चलता है। कंटिन्यू करते हैं, इसमें भी सेम वही पासवर्ड डालते हैं 1111, उसमें तो दिक्कत हो गई थोड़ी फिंगरप्रिंट में, लेकिन उसमें ओरिजिनल डिस्प्ले है, लेकिन उसमें पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है। इसमें ऐड करके देखते हैं, वो ऑप्शन तो आ गया, फिंगरप्रिंट ऐड हो चुका है जैसा आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। 1 2 3, तो गाइस फिंगरप्रिंट इसका वर्क कर रहा है, इसमें वर्क नहीं कर रहा है फिंगरप्रिंट, इसका वर्क कर रहा है फिंगरप्रिंट। इसमें साइड में इसकी ओरिजिनल डिस्प्ले है, लेकिन इसमें मुझे साफ साफ ही पता चल रहा है कि इसमें ओरिजिनल डिस्प्ले है। अब इसका देखते हैं कि इसमें दोबारा चेक कर लेते हैं, दोबारा से फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है इसका, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा बस फिंगरप्रिंट का। अब दोनों फ़ोन की कंडीशन देख लीजिए आप, 4924 रुपये में दोनों के दोनों। चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।